दिस इज द मर्सिडीज 600 मेबाक। इस वीडियो में हम इस मर्सिडीज GLS 400 को मेबैक स्टाइल में मॉडिफाई करने वाले हैं। पहले देखते हैं कौन से पार्ट्स चेंज होंगे। पहले है फ्रंट ग्रिल एंड बम्पर असेंबली, देन रेयर बम्पर असेंबली। चेंज द ब्लैक कलर टू अ ड्यूअल टोन ब्लैक एंड सिल्वर। चेंज द फ्रंट लोगो एंड ऐड द मेबैक बैच। ऑटोमेटिक स्लाइड आउट फुट रेस्ट्स ऐड करेंगे। Change the alloy rims from a present 21-inch Mercedes alloy to a 22-inch Maybach alloy or 22-inch naye tires. जैसे आप देख पा रहे होंगे, this is a brand new vehicle जो अभी हमारे गैरेज में आ चुकी है। पेंट जॉब के पहले हम ये स्पेशल स्ट्रिंग से रेयर ब्रांडिंग बैज निकाल लेंगे, क्योंकि इस एरिया में सिल्वर पेंट करने वाले हैं, जो आगे इस वीडियो में आपको दिख जाएगा। आते हैं हम बम्पर असेंबली में, जो चेंज होने वाला है इस पेंट जॉब के पहले, जो निकल जाएगा, जो आप अभी देख रहे हैं। निकालते वक्त स्पेशल ये ध्यान रखना है कि बम्पर कैमरा एंड सेंसर्स को किसी भी तरह का नुकसान ना हो, जो सब कुछ नए मेबैक बम्पर्स में फिट होने वाला है। अब आते हैं मेन जॉब की ओर, विच इज द पेंट जॉब, जो क्लाइंट के साथ डिसाइड हुआ है कि बॉटम हाफ में ब्लैक और अपर हाफ में सिल्वर किया जाएगा। डस्ट अच्छे से निकालने के बाद में पेंट का टॉप लेकर कोट 600 ग्रिट सैंड पेपर से निकाला जा रहा है, जो अभी आप देख रहे हो। वैसे ही पीछे बूट पे भी यही प्रोसीजर किया जाएगा। दिस इज हाउ द ओरिजिनल पेंट लुक्स आफ्टर द रबिंग प्रोसीजर। बट बिफोर द पेंट हमें उन जगहों को ढकना है जहां इस सिल्वर पेंट की अभी ज़रूरत नहीं है। मास्किंग के लिए हमने न्यूज़पेपर्स, प्लास्टिक शीट्स और मास्किंग टेप का इस्तेमाल किया है। दिस इज द सिल्वर पेंट विच वी आर गोइंग टू यूज ऑन द मर्सिडीज। हमने टोटल 4 कोट्स मारे हैं मर्सिडीज के बोनेट और बूट एरिया में। दिस इज हाउ द पेंट लुक्स आफ्टर द स्प्रे जॉब इज डन। आप ये मत सोच लेना कि ये फाइनल लुक है, बहुत कार्यक्रम बाकी है इसमें। अभी के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। आप अगर एक मेबैक को ध्यान से देखोगे तो डोर के इंटरनल बीम एरियाज में भी वो ड्यूअल टोन पेंट होता है। इस प्रोसेस के लिए हमने चारों डोर्स को डिसमेंटल किया है, ताकि अच्छे से इनर बीम एरियाज में पेंट किया जा सके। इसके साथ रेयर क्वार्टर पैनल में भी हाफ सिल्वर पेंट करने वाले हैं विद अ डिटेल्ड स्ट्राइप पैटर्न। We took a lot of time covering the cabin area for this car so that the paint doesn't destroy the leather and the main components in the cabin area. इस डोर में एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या होने वाला है। ये जो आप कर्व देख रहे हो, इसके नीचे ब्लैक पेंट रहेगा और ऊपर सिल्वर। वीडियो में लगे रहिए, आपको समझ आ जाएगा। We mask the stripe pattern carefully with a professional type masking tape. This is how the stripe pattern is made. कितने ध्यान से masking tape लगाया जा रहा है, देखिए। इसे कहते हैं experience. A normal masking tape will not give this kind of finish to the paint job. In the meantime, the new bumpers and alloys and the sliding footrests have arrived. Take a look. The bumper panels obviously have to be painted black. यहाँ भी bumper fitting check कर रहे हैं before giving it a paint job. Ooh.
The dual tone is finally done. Let's unwrap. Maybach के टायर्स भी नए रिम में फिट हो चुके हैं। We made sure the tire pressure sensors were shifted from the old alloy wheels to the new one. अब आती है स्लाइडिंग फुटरेस्ट की बारी। Vehicle delivery date is coming really close. Next part is to get the gloss pack. इसके लिए पहले हम पूरी गाड़ी को 1500 और फिर 2000 grit sandpaper से घिसेंगे. This will remove all the minute dust particles stuck if any. After rubbing the entire car, we can go to the polishing stage. This is the product which we are using to do the final polish on the car. In this procedure, a wool buffer is used to do the job. Polishing procedure mein aisa powder type material reh jata hai surface pe. Ye washing ke baad nikal jayega. Once the car is clean and shiny, now comes the part where the logos are added to the car. Our job is finally done. Here's the reveal.